नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम पहुँचे हैं ब्रांडली में। तो यहाँ पे है दोस्तों आज बहुत ही खास फंक्शन, तो अभी हम आपके इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में है अभी इस टाइम हम। तो दोस्तों जो फंक्शन होने वाला है वो थोड़ी देर में स्टार्ट होगा। तो अभी आप देख सकते हैं लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो लगभग अभी जो टाइम है 8 बजे के करीब हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों छत्रखंड पंचमी जो देवता महाराज है यहाँ की पुलिस और यहाँ का उनका जन्मदिन है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आए हैं और हम आपको इस वीडियो में, इस ब्लॉग में हम आपको कंटिन्यू दिखाते जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं हम आपको वीडियो में आगे। तो यहाँ पर हमारे भाई दोस्त आए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, कितने एक्साइटेड हो आप? अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं अभी लोग बहुत कम हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मंदिर है यहाँ पे भी काफ़ी खुला है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है दोस्तों सामने देवता छत्रखंड पंचवीर देवते का मंदिर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड काफ़ी खुला है। और थोड़ी ही देर में यहाँ पे इतने लोग हो गए और यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे है दोस्तों ये मेन गेट जहाँ से लोग आते हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धूप बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जो मौसम है, मौसम भी एकदम क्लियर है, साफ़ है। तो थोड़ी ही देर में यहाँ पे लोगों की भीड़ जो हो यहाँ पे काफ़ी होगी। और यहाँ पे जो पूरे दिन में फंक्शन चलता रहेगा। तो आप इस वीडियो में जो है बने रहिए। तो दोस्तों जैसे भी आगे जो भी सीन होगा हम आपको इसमें दिखाते जाएंगे, तो आप बने रहिए।
यहाँ पे अभी एग्जामिनर काफ़ी लोग आ चुके हैं काफ़ी भारी मात्रा में, तो यहाँ पे भी देवदास साहब महाराज को देख के आएंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। टाइम बच चुके हैं 10 और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों की काफ़ी भीड़ हो चुकी है और यहाँ पे अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आप देख सकते हैं लोग काफ़ी भारी संख्या में आए हुए हैं। ये हमारे फ्रेंड लोग हैं, और तो कैसा लग रहा है आपको? और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी भीड़ है, और देख सकते हैं ब्रांड में काफ़ी लोग हैं और लोगों की काफ़ी भीड़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर तक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैर रखने के लिए जगह नहीं है, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं महाराज देवता महाराज को यहाँ पे अभी बैठाया गया है, और उसके बाद धन यहाँ पे पूजा होगी, और पूजा होने के बाद तुरंत उसके बाद मंदिर ले जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो चुका है अभी। We'll be right back.
जा भाई तो दोस्तों यहाँ पे जो देवता महाराज की पूजा है वो समाप्त हो चुकी है और यहाँ पे जो लोग देख सकते हैं आप भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, 8 से 10 हज़ार तक लोग आए हुए हैं। तो मैक्सिमम अभी दोस्तों यहाँ पे टाइम बच चुके हैं 11 और यहाँ पे आप आपको दिखाएगी अभी कि यहाँ पे अभी लंगर भी चला हुआ है जो देवता महाराज की तरफ से है और यहाँ पे देवता महाराज के प्रांगण में चला हुआ है। तो लोगों काफ़ी भारी संख्या में आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो में इस ब्लॉग में देख रहे हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे डे स्टार होगा और यहाँ पे काफ़ी सिंगर भी आए होंगे। तो चलिए आप इस वीडियो में बने रहिए। Gracias.
अभी तक हमने आपको जो भी प्रोग्राम दिखाया, जो भी सीन दिखाया, तो आपने काफ़ी यहाँ तक देख लिया है। तो आगे हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं, यहाँ पे है स्टार और यहाँ पे सिंगर आपको दिखाएंगे लाइव। तो यहाँ पे जो लोग हैं भारी संख्या में आए हुए हैं, तो अभी आपको और भी ज़्यादा लोग दिखेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आप देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों लगभग अभी यहाँ पे जो श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, रामपुर से, किन्नौर तक और रोहू से जुब्बल तक के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे 10 बजे से लेके लंगर चला हुआ है और अभी टाइम हो चुके हैं 2 बजे के करीब, तो अभी भी लंगर चला हुआ है। Yeah.
मशहूर आवाज रोड क्षेत्र से संबंध रखने वाले हमारे बड़े भाई मिस्टर सुनील शर्मा जी कुछ ही क्षणों में बताइए जरा कितना जोश है सुनील शर्मा जी के लिए तो मैं आवाज देना चाहूंगा हिमाचल की एक मशहूर आवाज रोड़ों से संबंध रखने वाले एक मशहूर कलाकार बड़े भाई मिस्टर सुनील शर्मा जी को तो कहिए चित्रखंड महाराज की सुनील जी आपका समय व्यस्त करते हुए शुरू करता हूँ प्रोग्राम को मुझे पता है रामपुर में ज्यादा सच है आपका और यहाँ पे रैली नाटियाँ चलती है तो Yeah.